डॉक्टरों के संघ IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर NMCH के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार को सस्पेंड किए जाने के बाद उसकी वापसी को लेकर तेजस्वी पर दबाव बनाना चाहा, जिसे क्रिकेट की भाषा में कहे तो IMA ने स्वास्थ्य मंत्री पर बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन वो भूल गए कि ये वही तेजस्वी यादव है जिसे ऐसे बॉल पर छक्का मारने का महारत हासिल है। तेजस्वी ने IMA को सीधे शब्दों में जवाब दे दिया कि जिसे जहां जाना है जाए, लेकिन ये सरकार जनता के लिए है, जनता ने हमें चुना है, इसलिए ये जनता की सरकार है। गैर जिम्मेदार डॉक्टरों की वापसी नहीं होगी, ऐसे विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा कि IMA उस वक्त कहां चली गई थी जब महीनों सालों से 705 डॉक्टर बिना किसी सूचना के ड्यूटी से गायब थे। इनमें से तो कईयों ने एक दशक से ड्यूटी तक नहीं किया। 12-12 साल तक डॉक्टरों ने अस्पताल का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी हर महीने सैलरी उठाते रहे। तब संघ ने ऐसे डॉक्टरों पर खुद से कार्रवाई क्यों नहीं किया? और आज जब हमने NMCH के ऐसे अधीक्षक को सस्पेंड किया है जिन्हें यहाँ तक पता नहीं था कि उनके अस्पताल में डेंगू वार्ड कहाँ है, तो संघ हमें गलती सही की ज्ञान दे रही है। IMA को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गलत करने वाले डॉक्टरों का समर्थन ना करे। जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया, क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? तो हम आकर के ना कार्रवाई करें, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ, और देखिए हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े रहे। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पर। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। वही इस मुद्दे पर अब BJP भी कूद पड़ी है। डॉक्टरों की तरफदारी करते हुए बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, तेजस्वी ने डॉक्टर बिरादरी को गाली दी है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक समझदार और वरिष्ठ डॉक्टर को निलंबित करना जो COVID-19 का शिकार था और फिर भी महामारी के दौरान उल्लेखनीय काम किया, यह शासन की उनकी निरंकुश शैली की बदबू आ रही है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार देर रात तेजस्वी यादव पटना स्थित NMCH का औचक निरीक्षण करने गए, जहां निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों के कई परिजनों ने तेजस्वी यादव से शिकायत की थी कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं है और उन्हें बाजार से खरीदना पड़ रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री यह देखकर हैरान रह गए कि डेंगू के मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों को भी एक ही वार्ड में रखा गया है। इसके अलावा अस्पताल में कुछ जगहों पर गंदगी देखने को मिला, जिसके बाद तेजस्वी ने NMCH के अधीक्षक को निलंबित कर दिया। पटना से इमरान के साथ viewersnews.com की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।